नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पर्व त्यौहार टोटके। धनुराशि, आज का दिन ठीक है, आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मेहनत करना होगा, जिम्मेदारियां हैं थोड़ी, लेकिन घबराइए मत, खुद को साबित करिए और किसी भी गलत रास्ते पर मत जाइएगा, ये बहुत आवश्यक है। हालांकि महत्वपूर्ण कार्य आज बन जाएंगे, एक बार प्रयास जरूर कर लीजिएगा। आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी। आज नए स्रोत से धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं, अपनों का सपोर्ट मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद था वो समाप्त हो गया। आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति है और जीवन साथी के साथ रिश्ता भी बढ़िया होगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही मत कीजिएगा। दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें और हेल्दी डाइट लें। खाना अच्छा खाइए, पानी भी पीजिए तो आपके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगा। आज यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं, उसके लिए तैयार रहें। आज के दिन कुछ कार्यों में विघ्न बाधाएं दिखती हैं, तो पहले से सतर्क रहिएगा। भोग विलास की प्रवृत्ति आपको गलत आचरण करने को मजबूर कर सकता है, तो आज नशा तो कम से कम मत कीजिएगा, सावधानी रखें। और कोई कीमती वस्तु नशे में गुम ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखें। हालांकि ऑफिस में कुछ नए अधिकार प्राप्त होंगे, क्रिएटिव काम में आपकी रुचि बढ़ेगी, सफलता मिलेगी। जरूरी सामान की शॉपिंग कर सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों से बहस मत कीजिएगा, बल्कि सामने वालों का राय भी सुने, जो आपको आगे चलकर लाभ देगा। आज जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। हालांकि बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे, शुभ कार्य के योग बने हुए हैं, जमीन वाहन खरीदने के योग हैं, विरोधी परास्त होंगे, शत्रु विरोधी बड़ा, आपको टेंशन नहीं लेना। अब बस नकारात्मक सोच वाले लोगों से बचिए और खुद भी नकारात्मक सोच मत रखिए। आज खाने पीने की वस्तु का दान कर पाएं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। घर परिवार में आज कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, जिससे मन प्रसन्न है, मन आध्यात्म की तरफ झुका रहेगा। व्यापार में आप नया व्यापार में हाथ डाल सकते हैं। मकान वाहन खरीदने की संभावना भी इस समय बन रही है। और अंत में देखिए, जो लोग धनु वाले हैं, अगर आप जॉब करते हैं, कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी मुश्किलें आ सकती है, तो पहले से सतर्क रहें। जो युवा वर्ग हैं, दोस्तों के साथ मौज मस्ती के मूड में रहेंगे, लेकिन अपने जो आप के अगर आप जॉब करना चाहते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अपनी आँखों का थोड़ा ख्याल रख लीजिए तो उत्तम है, आपके लिए अच्छा है। और आज आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी। भाग्य साथ निभाएगा 75% और भाग्य अंक 2 है। तो आपकी मजबूती, निडरता, ये आपकी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाएगा। किसी भी तरह का हालात को काबू में रखने के लिए रफ्तार भी बेहतर करना चाहिए। वैसे तो आज खर्च जरा सोच समझ कर कीजिएगा, सावधानी से। प्रभावशाली लोगों से मिलना जुलना होगा। जो लोग लव लाइफ में हैं, देखिए लव लाइफ वैसे ठीक है, लेकिन आज लव के वाणी आपको अच्छे नहीं फील कराएंगे, यानी उनकी वाणी के कारण आपका टेंशन बढ़ेगा, आपका क्रोध बढ़ सकता है, मूड खराब हो सकता है, या कोई कुछ बोल ही दे आपका लव, तो इसलिए पहले से सतर्क रहिए। और हालांकि लव को देखिए आप प्रसन्न हैं, लेकिन उनकी वाणी से लाइफ से मैच करें, तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।